IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार। एक पुराने मशहूर सीरियल का टाइटल सॉन्ग था, देख भाई देख। सही में आज आप जो देखेंगे वह आपको हैरान कर देगा। आप जब सड़क पर इस लॉकडाउन में निकलते हैं तो पुलिस सीट बेल्ट, हेलमेट, मास्क ना लगाने के नाम पर आपका चालान काटते हैं, और वह कुछ गलत भी नहीं करते क्योंकि वह उनकी ड्यूटी है। लेकिन जरा सोचिए, जब वही कानून को तोड़े तो क्या उनका चालान नहीं कटना चाहिए? IVTV की दो महिला बहादुर रिपोर्टर श्रद्धा सुमन और हैरी जब सड़क पर निकली तो उन्होंने कई पुलिस वालों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नहीं देखा। कई पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे थे तो कईयों ने मास्क लगाकर नहीं रखा था। IVTV का यह सवाल है, इनका चालान क्यों नहीं कटना चाहिए? मास्क क्यों नहीं पहना सर? मास्क क्यों नहीं पहना सर? मास्क क्यों नहीं पहना सर? आप लोग सर फ्रंटलाइन वर्कर हैं सर, भाई फ्रंटलाइन वर्कर है सर, आप लोग जिम्मेदारी है सर पूरे बिहार की। हाँ सर पहन लीजिए सर, पहन लीजिए सर पहले। जाइए जाइए, आप ठीक है, पहन लीजिए जाइए। आप लोग इतने गैर जिम्मेदार हरकत करेगा सर, कैसे काम चलेगा? हम लोग कंटिन्यू मास्क एकदम लगाए रहते हैं और आप एकदम चौराहा पे हैं। और सर ये सबसे मेन एरिया है सर, ऐसा नहीं है कि आप सर किसी गली में हैं या कहीं पे हैं, मेन चौराहा है सर ये। सर कोविड खत्म हो गया मैडम? मास्क तो लगाए हुए हैं सर। लॉकडाउन खत्म हो गया क्या सर? क्या लॉकडाउन खत्म हो गया क्या सर? कोविड चला गया क्या? तो बोले हुए हैं कोविड चला गया क्या सर? देखिए माय गॉड, देखिए सर, किसी ने सर मास्क नहीं लगाया है, किसी ने नहीं लगाया सर, किसी ने नहीं लगाया है, अभी सब ने लगाया है, अभी किसी ने नहीं लगाया था सर, किसी ने मास्क नहीं लगाया था सर, नहीं सर, सर आप ही नहीं लगाया सर, आपने नहीं लगाया था सर, आप लगाए हम जबरदस्ती आप कर रही हैं। जबरदस्ती बोले जा रही है, पूछ लीजिए किससे पूछिए। आप सर नहीं लगाए? अरे मैडम लगाए हैं, जबरदस्ती आप कर रही हैं। सर आप नहीं लगाए थे सर? नाक दर्द देगा तो तुरंत नाक में कुछ घुसेगा तो नहीं करेगा? अच्छा सर, बात करती हैं आप सर वहाँ पे मास्क मैं लगाया हूँ, जबरदस्ती आप किए जा रही हैं। दुकान वाले सर आप सामान खरीद रहे थे सर, मास्क लगाए हुए हैं सर। चिल्लाइए सर, चिल्लाइए मत सर, सर चिल्लाइए मत, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, माइक बिगाड़ दे रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं, माइक लगाए हुए हैं, जबरदस्ती कर रही हैं। सर आप मास्क नहीं पहन रही हैं, झूठों का कैमरा लेकर तमाशा कर रही हैं। सर आप मास्क नहीं पहने थे सर, सर आप मास्क नहीं पहने थे सर, लगाए हुए मैडम, जबरदस्ती आप कर रही हैं। सर आप कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं, कैमरे पर नहीं सही बोल रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं आप, जबरदस्ती आप कैमरे पर दिखा रहे हैं हमको, आप नहीं लगाए थे मास्क सर। मास्क हम कहाँ लेकर जाएंगे बताइए ना सर, जबरदस्ती मैं महिला होकर के दिखा रही है सर, यहाँ महिला की बात ही नहीं है सर, मत गलत कीजिए, मैं एक सरकारी कर्मी हूँ, सरकारी कर्मी हूँ। मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? एकदम और एकदम सोशल डिस्टेंसिंग भी आपने लोग आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, क्यों सर? क्यों बताइए? किसी ने भी मास्क नहीं लगाया और किसी यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सरकार सिर्फ नियम क्या लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों के लिए नहीं बनाए क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। मास्क तुम लगाए हुए हैं? आप लोग यहाँ से देखिए, आप लोग सब ऐसे भागिए मत, आइए बात करिए कि आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया था। देख लीजिए ये लोग ARB बटालियन है, यहाँ
वहाँ सब बैठे हुए थे और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया था। सब आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और जब हमने इन्हें टोका कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो क्यों नहीं किए हैं, तो ये सब आपस में अलग अलग हो गए और सब किसी कोई भी कैमरे के पास आके बात नहीं कर रहा। और ये पटना का सबसे मेन इलाका हड़ताली मोड़ की बात है ये। सर मास्क क्यों नहीं लगाया सर आपने? तो सर अभी आपके पास लोग आएंगे तो क्या करिएगा? अभी खा रहे थे। नहीं नहीं सर, ये गलत बात है ना। अभी आपके पीछे भी जो देखिए वो बैठे हुए हैं। मैं आपके पास आई हूँ बात करने, आप तो लोगों का चालान काट देते हैं। लोगों का तो बहाना आप लोग नहीं सुनते ना सर? हाँ अभी हम खा रहे थे। नहीं नहीं, लोगों के जो बहाने आप लोग नहीं सुनते ना सर? बैठ के तो खा रहे थे। लोगों की आपकी कितनी चालान बनती है सर बताइए इस पे? मेरा चलाना अभी हम तो बैठ के खा रहे थे। लोग अगर आपको कोई अभी आके ये बात बोले कि मैं खा रहा था और मैं मास्क नहीं पहना हूँ तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। जो लोग रोड पे चलते हैं, अभी आपके आसपास दो तीन लोग और है, देखिए गाड़ी के पीछे एक और बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना था। आप अकेले तो नहीं थे यहाँ पे ना? क्यों सर? हम अकेले यहाँ पे बैठे हुए थे। नहीं सर, पीछे भी थे। सेब खा रहा था, हाँ? इसलिए मास्क नहीं लगाया। अभी अभी और दो तीन लोगों ने हमने देखा उधर, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। जो नहीं लगाया उनसे जी बात कीजिए। नहीं सर, आपने भी नहीं लगाया था सर? हमने तो खा रहे। और आप अकेले नहीं ना थे सर? आप अकेले नहीं थे बताइए ना सर। आप लोगों का चालान काटते हैं तो आपका कितना सर काटिएगा आप इनका चालान? सर कितना चालान बनता है इनका? काटिएगा इनका चालान? 50 रुपया है बनता है सर चालान, काटिएगा। रसीद खत्म हो गया मेरा। रसीद खत्म हो गया? रसीद खत्म हो गया मतलब अभी कोई अगर आ जाए जो रूल ब्रेक करता हो तो आप उनका चालान नहीं काटिएगा? काटेंगे उसका। जो इनका कैसे नहीं काटिएगा? जो हेलमेट का जो है, हाँ? जो हेलमेट का बिना फोर व्हील, हाँ गाड़ी काटे नहीं काटिएगा। उनका चालान अभी मेरे पास नहीं, रसीद नहीं है। अच्छा मास्क क्यों नहीं लगाई थी आप मैम? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? नहीं मैम, आपने मैंने रिकॉर्ड करा, आपने देखा आप मास्क नहीं लगाई हुई थी मैम। बताइए आप एक सामने आपने आपका चालान कट रहा है क्या? बताइए आप उनका चालान काट रहे हैं सर? क्यों काट, क्यों कट रहा है आपका चालान? हाँ तो आपका चालान क्यों कट रहा है? मास्क लगाइए पहले। ये कि अब इनका कितना चालान बनता है मैम? आइएगा सर, आप इनका तो काट दिए सर, इनका नहीं पहनने पे कितना चालान बनता है सर? 50 रुपया। काटिए सर, काटिएगा, काटिए सर। पानी पी रही थी? नहीं सर, पानी का बोतल यहाँ था, मैंने रिकॉर्ड करा है सर, पानी का बोतल था, मैम यहाँ बैठी हुई थी, कैमरा झूठ नहीं बोलेगी सर। पानी पी के तुरंत गायब की है? नहीं सर, और पीछे भी एक, अभी सर कैमरा में उसने मैंने कैप्चर करा था, पीछे भी एक बैठा था बाइक पे, उन्होंने भी मास्क नहीं पहन रखा था सर। बताइए, हम तो नहीं देखे हैं। आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आप पे पूरी बिहार भर की जिम्मेदारी है और उसके बाद आप इन्होंने ये सैलरी लेने गए थे, इनका तो आप काट रहे, चलिए ठीक है ये आपकी जिम्मेदारी है, पूरी बिहार भर की जिम्मेदारी आप पे है सर, और आप लोग ऐसा हरकत करते हैं। क्या हरकत की है? सीनियर क्या हरकत की है? आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं सामने, आपके सामने आप सुनिए, आपके कैमरा होगा तो इनसे हम बात कर रहे हैं, ये पीछे है जी, हमने जब घूमा तो मास्क लगाई हुई थी। मैं आपको दिखाऊं सर? अभी दिखाइए आप, उनका उस समय क्या कर रही है? हम तो नहीं देखा, हम तो इनसे बात कर रहे हैं। नहीं सर। क्या सर? आप कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं सर। हम तो इधर ताक रहे हैं, आप सीधे कैमरा निकालिए सर। नहीं सर, आप कैमरा अपना निकालिए, पूरा कैमरा निकालिए अपना, आप कैमरे में झूठ बोल रहे हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं कि आपके पास पास नहीं सर, आप कैमरे में झूठ बोल रहे हैं सर। मास्क क्यों लगाए सर? सर आप मेन रोड पे खड़े हैं और आप सर लोगों को पास दे रहे हैं जाने का और आप खुद मास्क नहीं लगाए सर? मास्क आपका नीचे है। नहीं सर, आपके कॉन्टैक्ट में सर अभी कितने लोग आएंगे जाएंगे आपके पास आएंगे? अरे बाबू लगाए थे। नहीं सर, आपने नहीं लगाया था। अरे देख नहीं रही हो, लगाए थे। नीचे था आपका मास्क सर? ना ना, लगाए थे बाबू। नहीं सर, लगाए थे। नहीं सर, मैंने कैप्चर किया सर, आपने नहीं लगाया था। अरे लगाए थे, थोड़ा सा गिर गया था नामंत्र बाबू, इसके नाक पर से थोड़ा सा गिर गया था। सर बताइए, आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर है, लोग को आप सर संदेश दे रहे हैं, आपके पूरे हाथ में सर क्या संदेश दे रहे हैं? आपके हाथ में बिहार का जिम्मा है सर कि आप लोगों को मदद करें और लोगों को समझाएं कि मास्क पहनना है, रूल फॉलो करना है,
सर बताइए सर, इनका चलान कितना कटेगा सर? मारने में थोड़ा सा नीचा करना पड़ता है। कहाँ है सर, दिखाइएगा। अरे बाबू भिसिल देख रही हो, कॉर्ड अभी लगाए हैं, मारने में निकल गया। सर इनके पास भिसिल मांगे सर, इनका भिसिल। अरे भिसिल तो मास्क लगाया था सर, भिसिल निकालने में थोड़ा सा नीचा। आपके पास भिसिल नहीं है ना सर? अरे बाबू हम गलती बोल रहे हैं सर, इनका चलान कितना कटता है सर? इनका चलान बनता है या नहीं बनता है? थोड़ा सा नाक से नीचे आ गया था, थोड़ा सा नीचे से आ गया। सर मेरा कहना है कि आप लोगों को भी सेफ्टी जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मास्क पहनिएगा तब ना सर अच्छे से। हम लोग कॉन्टैक्ट में सर ये आएंगे, अभी सभी आदमी मास्क लगा के रखते हैं, पहन के रखते हैं। मिस्टेक से थोड़ा सा नीचे आ गया, मिस्टेक से बाबू हो गया। दो मास्क लगाइए सर। ठीक है बाबू, दो मास्क। सर मास्क क्यों नहीं पहने हैं सर? क्यों सर मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क कैसे लगाते हैं गले में? मास्क क्यों नहीं लगाया सर आपने, बताइए। आप लोग चलान काटते, लोगों को आपको जागरूक करना।